धान के बाद सेकेंड नंबर पे आता है अपना गेहूं। ठीक है, गेहूं में पहला क्वेश्चन उसका उत्पत्ति स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? दक्षिण पश्चिम एशिया। धान का क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, अगर दक्षिण पश्चिम एशिया ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको मिलेगा टर्की। टर्की वहाँ पर सेंटर ऑफ ऑरिजिन के नाम से इसका धान का है, गेहूं का है, तो आपको टर्की या दक्षिण पश्चिम एशिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है परीक्षण बार। तो धान का गेहूं का जो परीक्षण बार होता है वो 40 ग्राम के आसपास होता है। 40 से 45 भी ऑप्शन में मिल सकता है, 42 से 45 मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद गेहूं के 3-4 फेमस क्वेश्चन इसकी सामान्य जानकारी से पूछे जाते हैं। एक तो नंबर 1, गेहूं के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गेहूं में प्रोटीन होता है 11 से 14%, जो ग्रेमिनी के मेंबर में हाईएस्ट है। ठीक है, पहला केस। दूसरा, गेहूं की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो गेहूं की प्रोटीन कहा जाता है ग्लूटेन। ठीक है ना, गेहूं की प्रोटीन ग्लूटेन कहलाती है, जिसके कारण पॉपिंग क्वालिटी आती है, यानी कि गेहूं की रोटी फूलती है। एक तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रोटीन के कारण आपकी रोटी फूलती है, तो वो ग्लूटेन, और कौन सी प्रोटीन के कारण मानव में सेलिक रोग हो जाता है, तो ग्लूटेन एलर्जी अगर किसी इंसान को हो गई तो उसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं सेलिक डिजीज, जो मानव के डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो सेलिक किसकी एलर्जी से होने वाला रोग है? तो वो ग्लूटेन। उसके बाद इंडिया में इसके उत्पादन का क्या सिनेरियो है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका यूपी में होता है, क्षेत्रफल भी वही है, और उत्पादकता देखते हैं तो अपना पंजाब इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट केस आता है इसका वर्गीकरण का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके वर्गीकरण से पूछे जाते हैं, तो यहाँ मैं आपको केवल एक डिस्क्रिप्टिव रूप में बताऊँगा। तो 2N = 40, जिसको अपन द्विगुणित बोलते हैं, द्विगुणित में एक नाम आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है इनकोन गेहूं, ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम में गुणसूत्रों की संख्या 2N = 14 होती है। उसके बाद आता है चतुर्गुणित। चतुर्गुणित में दो नाम ध्यान रखने हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम जिसको मार्कोनी या काठिया गेहूं भी बोलते हैं, और एक ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको अपन इमर गेहूं भी बोलते हैं, जिसका उपयोग सूजी, उपमा बनाने इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं षडगुणित। षडगुणित में 2-3 नाम है अपने पास, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गियर, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो ये एक षडगुणित गेहूं है जिसको अपन मैक्सिकन बोना गेहूं भी बोलते हैं, और इसको इंडिया में डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लो के द्वारा लाया गया था, और हरित क्रांति के दौरान इस गेहूं का सबसे बड़ा रोल था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है ट्रिटिकम वल्गियर, जिसको अपन कॉमन ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। ठीक है, एक तीसरा आता है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, जिसको अपन भारत का बोना गेहूं भी बोलते हैं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट। तो देखो बेटा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कौन सा द्विगुणित है, कौन सा चतुर्गुणित है, कौन सा षटगुणित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, चलो बताओ कौन सा इनकोन गेहूं है? तो ट्रिटिकम मोनोकोकम। कौन सा इमर गेहूं है? ट्रिटिकम डाइकोकम। कौन सा मार्कोनी गेहूं है? ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सा कॉमन मैक्सिकन व्हीट है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा कॉमन इंडियन वीट है? ट्रिटिकम वल्गियर। कौन सा इंडियन ड्वार्फ वीट है? तो इंडियन ड्वार्फ वीट आपका ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ठीक है ना, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। एरिया की बात करें, 87% एरिया आपका ट्रिटिकम एस्टिवम का है, 12% के आसपास आपका एरिया ट्रिटिकम ड्यूरम का है जो सेंट्रल इंडिया में ग्रो होता है, और 1% या इससे कम एरिया आपका ट्रिटिकम डाइकोकम का है। ठीक है, उसके बाद जलवायु में से एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, दाना बढ़ते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। 20 से 25 में भी 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको चाहिए। बीज दर 100 से 125 किलोग्राम होती है, लेकिन रेंज में अगर 80, 100, 125, 150 आए तो आपको 100 पे ध्यान रखना है, 100 किलोग्राम बीज दर। रो टू रो डिस्टेंस 22.5 सेंटीमीटर आपके एग्जाम का सबसे फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद आता है बीज की गहराई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आप जब गेहूं वेराइटियाँ पढ़ोगे तो इसमें 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन अलग अलग वो डार्क वेराइटी हैं, तो जितने ज़्यादा ड्वार्फ जीन अपन डालते जाएंगे तो कोलियोप्टाइल की लंबाई उतनी क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि गेहूं के अंदर बीज की गहराई
किसके ऊपर निर्भर हैं, तो वो कोलियोप्टाइल की लंबाई के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन अगर हमसे फिर भी पूछा जाता है कि कितनी गहराई पे आप उसकी बुआई करोगे, तो हम 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर अपन क्या करेंगे, उसकी बुआई करेंगे। लेकिन इन जनरल जो 3 जीन वाली किस्में अभी वर्तमान में अपन यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर अपन जनरली बोते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर है और 5 से 6 सेंटीमीटर पर अपन जनरल उसकी बुआई करते हैं। R2R 22.5 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन इसके वीड से आते हैं। एक तो इसका सबसे नकलची खरपतवार कौन सा है, तो नकलची खरपतवार फेलरिस माइनर है, जो अभी बहुत सारे हर्बिसाइड्स के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है। एक इसका परीक्षण बार, तो इसका परीक्षण बार होता है 2 ग्राम। एक गेहूँ का आपत्तिजनक खरपतवार, तो गेहूँ का आपत्तिजनक खरपतवार है हिरणखुरी। एक क्वेश्चन आता है इसके नियंत्रित करने वाले खरपतवार नाशियों में से, तो सकड़ी पत्ती को मारना हो तो 4-5 फेमस नाम है, जैसे आइसोप्रोटीरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, क्लोडीना प्रोपार्जिल और एक पिनोक्साडान। ये 4 ऐसे हैं जो सकड़ी पत्ती को मारने के लिए काम आते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आइसोप्रोटीरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, क्लोडीना और पिनोक्साडान, ये 4 हर्बिसाइड स्पेशली गुल्ली डंडा को या सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए काम आते हैं। उसके बाद आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, तो अपना 2,4-D ऑप्शन में नहीं हो तो मैट सल्फ्यूरोन, ठीक है ना, मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल। एक क्वेश्चन आता है मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल कौन से हर्बिसाइड का एक विकल्प है, तो 2,4-D का ही विकल्प है जो चौड़ी पत्ती के लिए काम आता है। और एक नया हर्बिसाइड और अभी बाजार में उपलब्ध है जो चौड़ी पत्ती के पौधों को मारने का काम करता है, जिसका नाम है कारफेंट्राजोन। तो कारफेंट्राजोन गेहूं में काम आता है चौड़ी पत्ती के पौधों को मारने के लिए। मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल काम आता है चौड़ी पत्ती के मारने के लिए, और इसकी जो डोज है वो केवल 4 से 6 ग्राम है। तो दुनिया में सबसे कम मात्रा में उपयोग में लाया जाने वाला खरपतवार नाशी कोई है तो मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल है, जिसकी डोज केवल 4 से 6 ग्राम है, ठीक है। तो मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल, 2,4-D और एक आपका कारफेंट्राजोन, जो गेहूं में इस्तेमाल होंगे चौड़ी पत्ती के पौधों को मारने के लिए। और एक इनके उपयोग करने का जो टाइम है वो लगभग 30 से 35 दिन है। एक महीने की क्रॉप के स्टेज पर अपन इनका जनरली छिड़काव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है अपने पास जल प्रबंधन से, तो 450 से 600 इसकी जल मांग है। 6 क्रांतिक अवस्थाएँ हैं, CRI, टिलरिंग यानी कि कल्ले निकलते समय, तीसरी ज्वाइंटिंग या गांठ बनते समय, चौथी फ्लावरिंग, पांचवी फ्लावरिंग या बाल्या निकलते समय, पांचवी दूधिया अवस्था और छठा है डफ स्टेज, दाना हार्ड होते समय। यदि अगर किसान के पास 1 पानी है तो CRI, 2 पानी है तो CRI और फ्लावरिंग यानी कि बाल्या आते समय, 3 पानी है तो CRI, ज्वाइंटिंग और दानों में दूधिया अवस्था पर। सिंचाई की विधि बहुत फेमस है, चैक बेसिन सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड है वीट के लिए। उसके बाद इंसेक्ट, तो इंसेक्ट जनरली गेहूं का कोई स्पेशल है नहीं, दीमक लगती है जहां पर सैंडी सोइल है या जहां पर इतनी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो दीमक या एक कीट लगता है जिसका नाम है आर्मी वॉर्म, सैनिक कीट, जो रात के समय पर इस पर अटैक करता है। तो क्वेश्चन आता है गेहूं के खेत में रात के समय सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, तो वो कौन है, सैनिक कीट। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है अपने पास इसके रोगों का, तो इसके काफ़ी लंबे चौड़े रोग हैं जो अपन जैसे धान में देखा वैसे ही। उसमें नंबर 1 आता है रोली रोग, ठीक है। रोली गेहूं का सबसे खतरनाक रोग है, जिसको अपन रस्ट भी बोलते हैं, जिसका जनक कौन है अपने इंडिया में, डॉक्टर केसी मेहता को अपन बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रस्ट, ठीक है। रोली रोग 3 टाइप का होता है, बुरी रोली, पत्ती रोली और पीली रोली। बुरी रोली तने पे आती है इसलिए तना रोली, काली रोली तने पे आती है इसलिए तना रोली, बुरी रोली आपकी पत्तियों पे आती है इसलिए पत्ती रोली, और आपकी जो पीली रोली है वो स्ट्राइप पे आती है इसलिए उसको स्ट्राइप रोली के नाम से भी जानते हैं। काली रोली होती है पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई से, बुरी रोली होती है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा से, और पीली रोली होती है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस से, ठीक है ना। ये होती है काली रोली के लक्षण तने पे आएंगे, आपकी बुरी रोली के लक्षण उसकी पत्तियों पे आएंगे, पीली रोली के लक्षण जो हैं वो उसकी स्ट्राइप्स पे आएंगे, ठीक है।
उसके बाद दो तीन क्वेश्चन इसके नियंत्रण से पूछे जाते हैं। एक तो इसके लिए सबसे बेस्ट फंजीसाइड कौन सा है, तो प्लांटावेक्स, प्लांटावेक्स या जिसको ऑक्सीकार्बोक्सिन, प्लांटावेक्स या ऑक्सीकार्बोक्सिन के नाम से अपन जानते हैं, वो इससे बीजोपचार करें। और एक यूजी 99 एक जीन है जो युगांडा से लाया गया था, जिसका उपयोग आजकल रोली रोग प्रतिरोधी किस्में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा आता है कंडवा रोग। तो कंडवा रोग दो टाइप का होता है, आवृत और अनावृत। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के। आवृत कंडवा एक्सटर्नली सीड बोन होता है, बाह्य बीज जनित, जबकि जो लूज हैं, अनावृत हैं, वो हमेशा होता है इंटरनली सीड बोन डिजीज। तो अंतर बीज जनित कौन सा है, अनावृत। आवृत कौन सा है, बाह्य बीज जनित। बाकी दोनों बीज कैसे हैं, बीज जनित हैं। जिसका नियंत्रण के लिए, तो नियंत्रण के लिए जो फंजीसाइड काम में लेते हैं उसका नाम है विटावेक्स। विटावेक्स जिसका जो दूसरा नाम भी अपन कह सकते हैं कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन या विटावेक्स, जो कि दुनिया का पहला खोजा गया सिस्टमिक फंजीसाइड था, जिसकी खोज स्कैल्मिंग एवं कुलका ने की थी। ये पहला फंजीसाइड था जो सिस्टमिक फंजीसाइड था, विटावेक्स, जो कार्बोक्सिन के नाम से उपलब्ध है। स्कैल्मिंग एवं कुलका ने इसकी खोज की थी। और अगर अपन इससे बीजोपचार करते हैं तो अपन कंडवा रोग से बचा सकते हैं। कंडवा का लक्षण क्या होता है कि दाने के स्थान पर अगर काले रंग का पाउडर बन जाए तो उसको अपन जनरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाली आएगी, उसके बाद इसके लक्षण दिखेंगे। और बालियों में दाने की जगह पे काला काला रंग का अगर पाउडर बन रहा है तो वो किसकी कमी का लक्षण, किस रोग का लक्षण है, तो वो कंडवा रोग का लक्षण है। उपचार विटावेक से बीज उपचार करो। दूसरा गर्म जल उपचार भी काम में ले सकते हो, 50-55 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 5-7 मिनट के लिए आप इसके बीजों को रखो तो उसमें जो फंगस है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा सोलर उपचार, जो कि लूथरा ने दिया था, इसमें अपन गर्मियों के महीने में, मई जून के महीने में बीजों को क्या कर दें, सुखा दें, तो अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आता है करनाल बंट। करनाल बंट एक फंगल डिजीज है जो सबसे पहली बार मित्रा नामक वैज्ञानिक के द्वारा करनाल हरियाणा में देखा था। इसमें क्या होता है, दाने के लोअर साइड पे ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनते हैं, और जैसे जैसे इस फंगस का अटैक बढ़ता जाता है, फंगस है नेओशिया इंडिका, ठीक है ना, नेओशिया इंडिका फंगस है। जैसे जैसे इसका अटैक बढ़ता गया तो दानों में से एक विशेष गंध आती है जो होती है मछली, सड़ी हुई मछली के समान। और इस गंध को पीछे जो लॉजिक है वो है ट्राईमिथाइल एमाइन। ट्राईमिथाइल एमाइन बनता है और ट्राईमिथाइल एमाइन के कारण वहाँ सड़ी मछली के समान क्या आती है, गंध आती है। तो ये हमारा तीसरा सबसे मेन रोग है करनाल, जो कि एक फंगल डिजीज है, बीज जनित रोग है, जिसके कारण आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ईयर कोकल। ईयर कोकल एक निमेटोड से होता है जिसका नाम है एंग्विना ट्रिटिसाई नामक निमेटोड के कारण, निमेटोड की सक्रियता के कारण गेहूं में एक विशेष समस्या आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ईयर कोकल डिजीज। एक आता है लास्ट टुंडू। टुंडू जो डिजीज जो होती है वो दो सूत्रकृमी प्लस जीवाणु के संयोग से उत्पन्न होती है, जिसमें सूत्रकृमी आपका एंग्विना ट्रिटिसाई और जीवाणु आ जाता है, या क्लावी वेक्टर ट्रिटिसाई या कोरिनी वेक्टर ट्रिटिसाई। जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों मिलकर गेहूं में एक रोग पैदा करते हैं जिसको बोलते हैं टुंडू, जिसके कारण बाली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। एक दो चीज़ें मैं बताना भूल गया, अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे। जो गेहूं होता है, जब गेहूं में बाली आती है तो एक फ्लैग लीफ होती है, उस फ्लैग लीफ का लगभग 50-52% योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण करने में। एक गेहूं का पुष्पक्रम होता है जिसको अपन स्पाइक ईयर या बाली होती है, जिसमें स्पाइकों में जिगजैग मैनर पाया जाता है, जिसको रेचिस बोलते हैं। ये पूछा जाता है गेहूं के पुष्पक्रम में पाए जाने वाली जिगजैग संरचना क्या कहलाती है, तो रेचिस कहलाती है। और इस रेचिस में जो आगे स्पाइका में जो आगे सुई जैसी संरचना होती है उसको अपन ऑन या तुष बोलते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों में 10-12% क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। लास्ट में आता है अपने पास वही कटाई सूचकांक। तो लगभग इसका कटाई सूचकांक 40% के आसपास होता है। दाना और भूसे का अनुपात देखते हैं तो 1:1.25 से लेके 1:1.50 तक इसका हो सकता है। इसके दो संस्थान हैं, एक इंडिया में है हमारा, ठीक है, जो करनाल हरियाणा में है, गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान निदेशालय जो करनाल हरियाणा में है।
एक अपना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ही, जिसका नाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो हमारा मक्का और गेहूँ दोनों पे काम करता है, ठीक है ना। तो सीमेट जो मैक्सिको में है, जो मक्का पे भी काम करता है और गेहूँ पे भी काम करता है। एक अगर यूँ देखें अपन जनरली, जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो काठे गेहूँ हैं उस पर अनुसंधान काम होता है, इकार्डा ICARDA इकार्डा सीरिया के अंदर। तो दो तीन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक दो चीज़ें और बचती है, जिससे ट्रिटिकेल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिटिकेल क्या है? गेहूँ और राई का संकरण। ये राई वो वाली राई नहीं है, हमारी मस्टर्ड वाली राई नहीं है। यहाँ राई का वैज्ञानिक नाम होता है सिकेल सीरियल। तो सिकेल सीरियल और ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, यानी कि गेहूँ और राई का संकरण है, ठीक है ना। ये आपका इंटरजेनेरिक क्रॉस है, दुनिया का पहला, जो रिम्पू ने बनाया था। और इसकी एक बहुत फेमस वेराइटी जिसका नाम है DT46 ट्रिटिकेल की वेराइटी है, रिम्पू ने बनाया था। गेहूँ और राई का संकरण है, राई का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर सिकेल सीरियल है, और अलग अलग वंश के संकरण से बनाया गया। तो इसको इंटरजेनेरिक क्रॉस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये हमारे गेहूँ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।